ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त डोनेट्स में, रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनेट्स के सोकोल गांव पर रूस का कब्जा हुआ है। रूस ने भीषण हमला कर गांव पर कब्जा किया है। कीव पर कब्जे का मिशन क्या यूरोप विनाश की वजह बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब रूस यूक्रेन युद्ध के जरिए पुतिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन वाले प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के साथ बाइडेन भी पुतिन के इस प्लान को नाकाम करने की योजना बना रहे हैं। रूस के वॉर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि बाइडेन यूक्रेन जंग के दायरे को बढ़ाने की रणनीति अपना सकते हैं। ज़ेलेंस्की भी कीव को बचाने के लिए यूरोप को युद्ध की आग में झुलसा सकते हैं। माना जा रहा है कि बाइडेन और ज़ेलेंस्की का ये प्लान बेलारूस को जंग में खींचने से बेहद आसान हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीरें अब और डरावनी हो सकती है। जिन मिसाइलों की ताकत की वजह से अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, उसके धमाकों से दहल सकती है ये धरती। एटमी हथियारों से लैस मिसाइलें एक बहुत बड़े इलाके में विनाश का तूफान ला सकती हैं। इसकी वजह है रूस यूक्रेन युद्ध में एक नए किरदार की एंट्री। जी हां, वो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अगले राष्ट्रपति बनने के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप। अब तक इस युद्ध की रणनीति बाइडेन, ज़ेलेंस्की और पुतिन जैसे नेताओं तक सीमित थी, लेकिन अब ट्रंप के आने से युद्ध में बड़े फेरबदल की उम्मीद मानी जा रही है। रूस के कमांडर्स इस वक्त यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों के हमले के बीच रूसी राष्ट्रपति बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। अब पुतिन का लेटेस्ट बयान सुनिए। अमेरिका छोटी और मध्यम दूरी के मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है, इसे देखते हुए अब रूस को भी ऐसी मिसाइलें बनाने का अधिकार है। पुतिन ने अमेरिका को धमकी दी है, भविष्य में एक बड़े युद्ध का संकेत दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इससे पहले पुतिन ने ट्रंप के साथ युद्ध विराम पर समझौते की बात कही थी। पुतिन के ट्रंप वाले मास्टर स्ट्रोक का जवाब देने की तैयारी अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक शुरू हो चुकी है। बाइडेन के प्लान का पहला चरण बेलारूस से शुरू हो सकता है। बेलारूस में रूस की सेना की तैनाती पहले से है। चीन ने भी बेलारूस में अपने सैनिकों को भेजा है। बेलारूस में चीन की सेना युद्धाभ्यास करने वाली है। बेलारूस में 8 जुलाई से 19 जुलाई तक युद्धाभ्यास होगा। अब रूस के वॉर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की बेलारूस को जल्द ही इस युद्ध में जबरन शामिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा अंदेशा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन की सेना बेलारूस की तरफ बढ़ रही है। बेलारूस के करीब टैंक और आर्टिलरी की तैनाती की गई है। रूसी वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक ट्रंप के युद्ध विराम वाले बयान से कीव में दहशत है। ज़ेलेंस्की को शक है कि ट्रंप पुतिन समझौता कर लेंगे, यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में चला जाएगा। अब बेलारूस के खिलाफ यूक्रेनी सैनिकों की बढ़ती तैनाती से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की यूरोप को युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी में है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि ये बाइडेन के इशारे पर भी हो सकता है।
बेलारूस के साथ यूक्रेनी मोर्चा खोलने से क्या बाइडेन और ज़ेलेंस्की दोनों को फायदा हो सकता है? ज़ेलेंस्की को नेटो से हथियारों की सप्लाई तेज हो सकती है। बाइडेन यूरोप को डराकर हथियार भेजने को जायज ठहराएंगे। पोलैंड तक तनाव होने से नेटो बनाम रूस की जंग शुरू हो जाएगी। बाइडेन ट्रंप के युद्ध विराम वाले फॉर्मूले को गलत साबित कर सकेंगे। यूरोप के लिए ज़ेलेंस्की को हथियार देते रहना मजबूरी बन जाएगी। बाइडेन के पास रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मौका मिल जाएगा। अमेरिकी चुनाव अब बाइडेन के लिए आखिरी मौका बन चुका है। इस दरमियान बाइडेन को साबित करना होगा कि रूस के खिलाफ नेटो का एक्शन बेहद जरूरी है और अमेरिका के तमाम फैसले बिल्कुल सही हैं। सिर्फ अमेरिकी चुनाव ही नहीं, पुतिन की नेटो को लेकर शुरू हुई नई रणनीति भी बाइडेन और नेटो के लिए खतरनाक है। इस तस्वीर ने पूरे यूरोप को गुस्से से भर दिया है। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने मॉस्को की यात्रा की है। हंगरी यूरोपीय संघ का सदस्य होने के साथ अध्यक्ष भी है। युद्ध के बाद से यूरोप के किसी भी देश के नेता ने रूस का दौरा नहीं किया। ऑर्बन ने कहा यूक्रेन को शांति के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। स्लोवाकिया के पीएम भी रूस की यात्रा कर सकते हैं। ऐसी कई वजहें जो रूस के वॉर एक्सपर्ट्स को अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन के रास्ते महायुद्ध भड़काने के अंदेशे भर रही है। पुतिन ने ऐसी चेतावनियों के बाद अमेरिका को धमकी दी है। पहले अमेरिका में क्या हो रहा है ये जान लीजिए। मिनटमैन 3 न्यूक्लियर मिसाइल प्रोजेक्ट का बजट दोगुना कर दिया गया। अमेरिका में मीडियम रेंज की मिसाइलें बनाई जा रही हैं। अमेरिकी मिसाइलें एटमी हमला करने में सक्षम होंगी। रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के इंटरमीडिएट रेंज परमाणु फोर्स संधि से हटने और ऐसे हथियार विकसित करने के जवाब में रूस मध्यम दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों को डिजाइन और निर्माण करने का हकदार है। रूस के इस अभियान में जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें शामिल होंगी। रूस मध्यम दूरी वाली जिरकॉन मिसाइलें बना सकता है। इस्कंदर मिसाइलों की रेंज कम करके नया वर्जन तैयार किया जा सकता है। रूस रुबेस मिसाइल बना रहा है। यह हल्की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस इसे कम या मध्यम दूरी की रेंज वाला बना सकता है। माना जाता है कि हवा और समुद्र से लॉन्च होने वाली मिसाइल प्रणालियों से जमीन आधारित मिसाइल लॉन्चर तैनात कम खर्चीला होता है। रूस को उम्मीद है कि बाइडेन यूक्रेन युद्ध को सही ठहराने और रूस के खिलाफ अपने तमाम फैसलों को सही ठहराने के लिए जल्द युद्ध का दायरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।